बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मेरा आपके साथ नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का वो मैं पेपर शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला आपसे पूछा जाएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, आपने कोशिश करनी है कि तैयारी करने से पहले सबसे पहली चीज़ यही तैयार करना है, इस पेपर को आपने सबसे पहले तैयार करना है, बाकी आप लोगों ने चीज़ें बाद में तैयार करनी है। सो यहाँ पर आप रोल नंबर शंबर लिखेंगे, ठीक है, पार्ट वन नाइन्थ क्लास है जी, केमिस्ट्री का पेपर है, 12 नंबर के बेटा एम सी क्यूज आएंगे और टाइम मिलेगा आप लोगों को 15 मिनट का। पानी के एक मोल का मास होता है 18 AMU। समुद्र में हाइड्रोजन का तनासब आपने बताना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ओशन इज 10%, 11% या तकरीबन, ये आई थिंक 10 पॉइंट, तो कुछ पोर्शन होती है तो आप लोग इसको 11 फर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जब यूरेनियम टूटता है तो ये बनाता है जी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज, सो इसका यूनिट जो है बेटा, कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट है। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड किस में मौजूद होता है, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, पानी में होता है। इस कंपाउंड की शिनाख्त करें जो पानी में हल नहीं हो सकता, वो कंपाउंड आपने बताना जो पानी में हल नहीं हो सकता। आई थिंक ये बेंजीन है, ठीक है, फिर भी आप लोग इसको बेटा कंफर्म करिए। डैश गैस सबसे तेज डिफ्यूज होती है, कौन सी गैस सबसे पहले डिफ्यूज होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन या क्लोरीन। इसका है विच गैस विल डिफ्यूज फास्टेस्ट, जो जो लाइटेस्ट गैस है ना, हीलियम, ठीक है, ये जल्दी डिफ्यूज करती है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम पर मैग्नेटिक मोलिकुलर मास आपने बताना है कितना होता है, तो बेटा अभी सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। पोटाशियम का होता है तकरीबन आई थिंक 39 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा तो अगर भाई टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो चलिए मैं आपको इसका आंसर जो है वैसे ही बता देता हूँ। मोलिकुलर मास ऑफ के एम एन ओ फोर इज, सो 158 से आ रही है तो 034 होता है इसका, तकरीबन ये आंसर है बेटा ये वाला। एक डैश हेटरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, हेटरोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, मिल्क स्याही, मिल्क ऑफ मंग्रेशिया, आई थिंक ये मिल्क ऑफ मंग्रेशिया। रस्टिंग का फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3, ये इसका आंसर है। रिडोक्स रिएक्शन में जेड एंड एसएल के दरमियान होता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, इन द रिडोक्स रिएक्शन बिटवीन जेड एंड एचसीएल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, जेड एन एच सी एल एच या दूसरा होता है, ठीक है, तो इसमें एच प्लस है। डैश इज लेस लीस्ट मेरिएबल, कौन सी विच मेटल इज लीस्ट मेरिएबल, कौन सी मेटल जो है वो सबसे कम मेरिएबल होती है, ठीक है, मेरिएबल कहते हैं जिसको खींच के हम चीज़ों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आई थिंक इसका जो है वो सोडियम है, ठीक है। तो बेटा ये आपके लिए आंसर थे जो मैंने आपसे शेयर किया, तो अब सवाल शेयर करता हूँ जो कि इंशाल्लाह पेपर में पूछे जाएंगे। सो मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो है इसकी परसेंटेज डिफरेंट आ रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि सारे ये सवाल जो है याद करें। बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, और बेटा जो भी आप फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो नीचे बेटा लाइक का बटन होगा, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है बेटा उस लाइक के बटन को लाजमी दबा दें यहाँ से, ठीक है, ताकि वीडियो बाकी तमाम स्टूडेंट्स तक जल्दी पहुँच जाए। बेटा लाइक लाजमी कर देना तमाम बच्चों ने इस वीडियो को। तो एलिमेंट क्या है, ज़ाइल में ऑक्सीजन की परसेंटेज तहरीर करें, अर्थ क्रस्ट, समुंदर और एटमॉस्फेयर। मैग्नीशियम एटम कार्बन एटम से कितना भारी है, इसकी वजाहत करनी है आप लोगों ने। तो बेटा पहला डब्बा है शोर सवाल आपका, इसमें आप लोगों से 8 सवाल पूछे जाएंगे, आपने इसमें से कोई से आप 5 सवाल आपके जो आंसर करने हैं, सो वो आपकी मर्जी होती है कि जो आपको ईजिली आते हैं वो आपने कर लेने। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स पीछे क्यों मुड़ गए, ये आपने बताना है। रदरफोर्ड और बोहर के एटॉमिक मॉडल में फ़र्क तहरीर करें। व्हाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज मोर एक्सेप्टेबल देन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज नेगेटिव। डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल।
डिफाइन एटॉमिक रेडियस ऑल्सो गिव इट्स एग्जाम्पल। तो बेटा ये आपका पहला डब्बा हो गया है, तो इस दफ़ा क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है यू ऑलरेडी नो कि भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपने कोशिश करनी है कि भाई इनको याद करें। अब इस साल जो है वो सवालात अंदर से बहुत आ रहे हैं चैप्टर्स के, ठीक है, एक्सरसाइज में से ये कम बहुत आ रहे हैं केमिस्ट्री के। उसके बाद दूसरा डब्बा है जी बेटा शोर सवालात का, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहला है जी वाई डू नोबल गैसेज नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड, नोबल गैसेज केमिकल बॉन्ड क्यों नहीं बनाती। डिफरेंशिएट बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में बेटा आपने फ़र्क बताना है कि क्या होता है। इसी तरह जी व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स क्या हैं, राइट देयर एटलीस्ट टू प्रॉपर्टीज, उनकी एटलीस्ट आपने दो प्रॉपर्टीज जो है वो अब बतानी है क्या होती हैं। वेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस जस्टिफाइड, वेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अमंग विद एग्जाम्पल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और बेटा अमॉर्फस सॉलिड में आपने फ़र्क बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। वाई डू सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन नॉट शो टाइडल इफेक्ट वाइल कोलाइड्स टू, हाउ एन ए सी एल इज सोल्यूबल इन वाटर, एन ए सी एल जो है वो पानी में किस तरह सोल्यूबल है, किस तरीके से हल हो जाता है नमक। उसके बाद बेटा अगला डब्बा है जी शोर सवालात का, आखिरी डब्बा, ठीक है, तीन डब्बे आएंगे शोर सवालात के। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बी ए थ्री और पी ओ फोर टू में फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है आपने, ये पी का ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे आप कितना होता है। अगर हम गलवानिक सेल से साल्ट ब्रीचिंग को निकाल दें तो क्या होगा, गलवानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दरमियान फर्क तहरीर करें। डाउन सेल में कौन सा रिएक्शन वो कुपजीर होते हैं, मेटल्स की कम से कम दो केमिकल और फिजिकल खसूसियात लिखें। ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स को बिलतरतीब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है, एक मिसाल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरीफ करें, प्रोडक्ट टेबल में इसका रुझान भी बयान करें। तो बेटा आप चलते हैं जी लॉन्ग सवालात की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 18 नंबर के आपसे लॉन्ग सवालात जो है वो पूछे जाएंगे। सो पहला है जी आप केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में क्या जानते हैं, ये पहले चैप्टर में से है, तफसील से बयान करें मोल मास और मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस को भी तहरीर करें और मोल कैलकुलेशंस की समरी भी लिखें। ए बी पार्ट है इसका, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम को किसने गलत साबित किया था, ठीक है, इस मॉडल को का रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर तफसील से नोट लिखें। उसके बाद अगला लॉन्ग है आप आयनिक कंपाउंड्स, आप आयनिक कंपाउंड्स और पोलो कोवलेंट कंपाउंड्स की ताकत का मुवाजना कैसे करेंगे वजाहत करें। चार्ल्स की गैसेस के कानून के वजाहत के साथ बयान करें और इसकी तारीफ भी करें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें, इसका प्रिंसिपल तहरीर करें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और जिंक बयान करें। सोलिबिलिटी क्या है, इसको कौन से फैक्टर्स असरअंदाज करते हैं, टेम्परेचर का सोलिबिलिटी पर क्या असर है। तो बेटा ये आपके लॉन्ग सवालात हैं, ये आपने तैयार करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवालात हैं। तो बेटा ये आपके लिए पेपर था। सो अगर वीडियो पसंद आई है बेटा लाजमी तौर पे यहाँ से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेटा लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों तक भी वीडियोस जल्दी जल्दी पहुँच जाए। सो बेटा अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल दी एंड खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यूज और पेपर स्कीम वगैरह जो है वो भी आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दी जाएगी।